गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री बीएड सेकंड ईयर, बीएड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री विषय के अंतर्गत आज हम अपनी बात को प्रारंभ से वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे जो फर्स्ट यूनिट में अपने पाठ्यक्रम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं पर करिकुलम के लिए पाठ्यक्रम शब्द यूज किया गया है, कहीं पर इसे पाठ्यचर्या के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसीलिए अंग्रेजी का जो शब्द है इसके लिए एक ही शब्द है, वो है करिकुलम। तो आज अपनी जितनी भी बात होगी वो इस शब्द को ज्यादा टारगेट करके कही जाएगी। करिकुलम क्या है, किसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं, करिकुलम और एक सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस ये दो शब्द हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन कई बार होता है कि इन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिलेबस की नहीं कर रहे हैं, हम करिकुलम की कर रहे हैं। अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले एक चीज स्पष्ट है कि शिक्षा प्रक्रिया जो है, कहीं पर हम इसको एक तरह से कोई शिक्षा शास्त्री से क्रिया यानी प्रक्रिया मानता है, जिसमें उद्देश्य, शिक्षक और शिक्षा, ठीक है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया एक जो शिक्षण प्रक्रिया की जो एक विचारधारा थी उसके अनुसार इसमें तीन त्रिआयामी प्रक्रिया माना गया, उद्देश्य, शिक्षक और शिक्षा। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और इस शिक्षण प्रक्रिया को तीन त्रिआयामी के स्थान पर इसे चार आयामी प्रक्रिया माना गया, जिसमें उद्देश्य दूसरा है, पाठ्यक्रम तीसरा, शिक्षक और चौथा है शिक्षा। यानी कि यहां पर इस बात को समझना है कि शिक्षा जो है वो त्रिआयामी नहीं, ये चार आयामी प्रक्रिया है, जिसके चार पक्षों का होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें उद्देश्य या वातावरण, पाठ्यक्रम, क्योंकि उद्देश्य होगा तभी उसी के अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, पाठ्यक्रम होगा तभी शिक्षक इस प्रक्रिया को कर पाएगा और शिक्षार्थी होगा तभी यह प्रक्रिया संपूर्ण हो पाएगी। इसीलिए जो शिक्षण प्रक्रिया इसे चार आयामी प्रक्रिया माना गया है। तो इसका जो एक पक्ष है जिसको कि हम पाठ्यक्रम कहते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम का जो अर्थ है, हम इसके अर्थ को समझेंगे और अर्थ में हम इसको इसके तीन भागों में अर्थ को समझेंगे। पहला है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ के अनुसार करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया अंग्रेजी का शब्द है, मतलब कि अंग्रेजी का जो करिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यानी कि एक ऐसा मैदान जिसमें कि बालक स्वतंत्र रूप से दौड़ सकता है, दौड़ कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। वैसे ही अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से बात की जाए, तो शिक्षा का शिक्षण प्रक्रिया के लिए यह एक दौड़ का मैदान है, जिस पर दौड़ते हुए शिक्षार्थी अपने लक्ष्य को शिक्षक के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दूसरा जो इसका अर्थ है वो है समुचित अर्थ।
संकुचित आय। संकुचित दृष्टि से अगर इसको पाठ्यक्रम के अर्थ को समझना चाहे तो इसका अर्थ होता है विषय वस्तु का ज्ञान या फिर पाठ्य या इसको हम पुस्तकीय ज्ञान भी कह सकते हैं। यानी कि यहां पर संकुचित अर्थ के अंदर पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो केवल इतना सा ही है कि पुस्तकीय ज्ञान को ही पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसका जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत बालक के केवल पुस्तकीय ज्ञान को इसका एक अंग है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान जो है ये इसका एक अंग है और अन्य इसके बालक की योग्यता क्षमता रुचि विकास मतलब कि सभी प्रकार की जो ज्ञान ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक या उसके व्यक्तित्व आदि सभी के विकास, यानी कि एक तरह से इसको एक शब्द में कहें तो बालक का सर्वांगीण विकास जिसके माध्यम से हो सके वही व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम को परिभाषित करता है। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम की एक परिभाषा को देखेंगे। यहां हम एक परिभाषा देखेंगे कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है तो इसको हम देखेंगे। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में कलाकार यानी कि शिक्षक कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे यह अपने पदार्थ कौन है छात्र या शिक्षार्थी अपने पदार्थ में अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के उद्देश्य के अनुसार अपनी कला गृह यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही उन्नत या बहुत ही अच्छी परिभाषा है कनिंघम की। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम पाठ्यक्रम को समझे तो पाठ्यक्रम कलाकार किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है शिक्षक के लिए कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, यानी कि ये वह छैनी हथौड़ी है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ यानी कि पदार्थ कौन है छात्र अब उस पदार्थ यानी कि उसकी जो मूर्ति है पत्थर है उसको गढ़ कर अपने आदर्श यानी कि किस दृष्टि से वो उसे देख रहा है उस आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने कला ग्रह यानी कि विद्यालय में चित्र को चित्रित करता है। अर्थात कि कला एक पाठ्यक्रम जो है वो ऐसा है वह प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने छात्रों में जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा कार्य किया जा रहा है उन उद्देश्यों को
निभाता है और सहयोग करता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें।